अब जितेंद्र से पूछते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। जितेंद्र की किचन में आपका स्वागत है और ये आखिरी बार होगा कि हम तीन लोग आपको वीडियो में दिख रहे हैं। जो बैचलर लाइफ तुम जी रहे हो वो फिर और नहीं रहेगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज ना ही कोई ट्रैवल ब्लॉग है और ना ही कोई आज कोई एजुकेशनल वीडियो है। आज का ब्लॉग कुकिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलो देखते हैं कहाँ आए हम। क्या हो सर, साफ सफाई करी होगी नहीं रूम की सही से? The room is clean and I am tired today because of cleaning all the day. अच्छा मुझे लगता है इस बार हमारे यहाँ कुकिंग होगी लास्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद ऐसे कुकिंग नहीं हो पाएगी जैसे आज हम करेंगे। और आज स्पेशल और जितेंद्र एज यूजुअल पुरानी वीडियोस की तरह बर्तन मांजता हुआ, जब भी हम आते हैं बर्तन ही मांजना होता है। और आज हम बनाएंगे आज लिट्टी चोखा। और ये आखिरी बार होगा कि हम तीन लोग आपको वीडियो में दिख रहे हैं कुकिंग करते हुए, उसके बाद मुझे नहीं लगता ऐसा फिर पल आने वाला। तो अभी स्टार्ट करा, मेरे को कटिंग का काम मिला है, मैं प्याज काटूंगा। और खजूर के साथ हमारा स्वागत हुआ है। और जितेंद्र ये रहा अपने खूबसूरत घर पे। अभी मैं प्याज काटता हूँ और राजकुमार अंदर पापड़ सेक रहा है। दोनों के हाथ में अलग अलग चाकू है। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट आया हमारे लाइफ में तो दो चाकू रख सकते हैं। अब दो क्या तीन चाकू है मेरे पास अब तो। और अभी ये लहसुन बोर्ड भी है, अभी ये लहसुन छिल रहा है, उसके बाद लिट्टी बनेगा, चोखा भी बनेगा बैगन का, दो बड़ा बड़ा बैगन है। और साथ में सलाद भी बनाएंगे, रायता भी रहेगा। सबसे पहले तो सूप होएगा, सूप तो अभी रह रहा है बनाना। तो ये लिट्टी बनने के लिए ये आटा है या मैदे का बना रहे हो इस बार? आटा है, मल्टी ग्रेन आटा। अच्छा। और इसके साथ साथ घी डाला है, अजवाइन, नमक, काली नमक, थोड़ा थोड़ा ऐसे नींबू इसमें लास्ट में डालेगा, लेमन सत्तू में डालेगा इसमें नहीं। अच्छा अच्छा, स्पॉन्जीनेस भी आ जाएगा दही के कारण। चलो, और इसको तो पापड़ ही पसंद आ गया, तब से पापड़ ही बनाया जा रहा है। पता नहीं स्नैकिंग फिर लक्ष्य इज चॉपिंग, क्या बना रहा है? सलाद बना रहा है, फाइन स्लाइसेस विद एन जापानीज लाइफ, हां जापानीज वाइफ, जापानीज नाइफ। और जीतू अपना फ्लफी लिट्टी के लिए डो बना रहा है। तुम सूप बना रहे हो? मैं पापड़ खा रहा हूँ और सूप बना रहा हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आखिरी बार तीनों मिलके लिट्टी चोखा बना रहे हैं। सो ऑथेंटिक लिट्टी चोखा खाएंगे। जीतू भाई नया घर गृहस्थी किए हैं, घर बहुत सफेद सफेद दिख रहा है। और आखिरी बार क्यों बोलते हो? आखिरी बार हम तीनों तो नहीं हो पाएगा ना, जैसे ऐसे जो फ्री नहीं नहीं फ्री माइंड से दिस इज अ बैचलर पार्टी। यस, बैचलर नॉट बैचलर पार्टी, ऑब्वियसली बैचलर पार्टी की नहीं है। बस जो बैचलर लाइफ तुम जी रहे हो वो फिर और नहीं रहेगा, रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस और ऐसा माहौल नहीं रहेगा। चाहे जब आपके वो भी आ जाएंगे पार्टनर, ऐसा माहौल नहीं रहेगा, ऐसे हम फ्रीली बात कर रहे हैं। मतलब एक लहजे में तहजीब में बातचीत करनी पड़ेगी। तहजीब का मतलब क्या होता है? एनीवे आगे फिर मिलते हैं। तो चोखा बनाने के लिए ये बैंगन में क्या लहसुन डाले हुए हैं। और वैसे जनरली चोखा हम उस पर बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, भून के भट्टा होता है, क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, वो गोबर का जो उपले, हाँ उपले। वैसे जनरली जो बनाया जाता है चोखा उपले में बनाया जाता है, पर अभी हम गैस पे ही बनाएंगे। और इसके अंदर हम ये जो लहसुन है इसलिए डाला है ताकि उसका फ्लेवर आ जाए अंदर, पूरा जो समा जाए पूरा बैंगन में। ये देखिए ऐसे कट लगा के। जितेंद्र की किचन में आपका स्वागत है। चलो, सो आवर सूप इज रेडी। मांचाओ, मांचाओ सूप। टमाटर को भी ऐसे ही करेंगे। हमें कितना टाइम हो गया वेट करते करते? डेढ़ घंटा हो गया ना? नहीं, एक घंटा हो गया, कम से कम छह बजे से तो करीब है। कम से कम खाए हैं, पिए हैं, एक घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक प्रिपरेशन ही चल रही है। और राजकुमार कूट रहा है कद्दूकस टाइप, कद्दूकस नहीं कूट ही रहा है। और ये क्या मसाला बना रहे हो? लिट्टी का जो चोखा अंदर जाएगा, हाँ जो सत्तू जो जाएगा, हाँ तो इसके लिए बना रहे हैं हम। इसमें नमक भी डाला है तुमने? अभी डालेंगे, हाँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ में। तो आज के मास्टर शेफ हमारे जितेंद्र प्रोफेसर साहब, जितेंद्र के किचन से आज लिट्टी चोखा। ये वीडियो देखेंगे मेरे को लग रहा है। मेरे को लगा बच्चे स्टूडेंट्स तो देखेंगे। सर आप इतना अच्छा लिट्टी चोखा बनाते हैं। और ये अचार, अचार का मसाला ही है बस, और साथ में सरसों का तेल। बैंगन हो चुका है, अभी टमाटर हो रहे हैं। टमाटो हॉट टमाटो,
ये अपना है लिट्टी में अंदर जो जाएगा मसाला। ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा हाथों से करने में, जब खाओगे ना मजा आ जाएगा तब। हाथ पाथ हमारे पूरे साफ है। तो फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद अभी रेडी है ये चोखा है। इसको पूरा मैशअप करेंगे अभी जो हमने रोस्ट करा था, और ये अभी चलो अगले में दिखाऊंगा पूरा फिलिंग कैसे हो रखी है। साइज छोटा ही रहेगा इसका इस बार या पूरा किंग साइज रहेगा? छोटा साइज ही बनाएंगे पर वो फुल जाएगा, तो साइज तो हो जाएगा है ना। ये स्टफ कर दिए हम। ये लक्ष्य एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, दरअसल इसमें हाथ ऑथेंटिक वे में हाथ इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से मैश होता है। जितेंद्र कैसे किया जाता है, हाथ या ये? हम तो हाथ से ही करते हैं हाथ, मतलब जो ऑथेंटिक है वो हाथ से करते हैं, बट लक्ष्य यस ही वांट्स टू मेक इट मोर हाइजीनिक। जिगरी दोस्त दोनों लिट्टी चोखे बना रहे हैं। थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल। यार ये बगल में क्या रखे हो दोस्त? अजवाइन भी डाले, इसमें अजवाइन थोड़ी ना डाला है, डाला है। अच्छा अजवाइन भी डाले हैं, धनिया पाउडर पत्ता भी डाले हैं। अच्छा अब देखो शेफ बता रहे हैं। लाइट यहाँ इतनी ही है? हाँ। अच्छा ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, कैमरा भी एडजस्ट आराम से पटकना, कभी सीधा मुंह पे पचकारी आए। चार ठीक है, चार ठीक है। हाँ, हाँ। और नहीं थोड़ा तेज बोलो जितेंद्र, स्टार्ट अगेन और स्पीक लाउडली। हाँ so we are now taking out of this kadhai, we have just fried 4 litti at a time। चार ठीक है, ये डालना है पांच? नहीं ठीक है, फोर इज नाइस। सो ये नया हमारे पास थर्मस है। चलो अभी 8:15 हो गए और तकरीबन 2 घंटे से हम लगे पड़े और फाइनली रेडी है अभी तक। उसके बाद शुरू करते हैं खाना पीना और थोड़ा सा लिट्टी चोखा की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बिहार की स्पेशल डिश। तो अभी 8:30 हो गए और हमारा फाइनली सारा प्रॉपर मील तैयार है। ये जितेंद्र की प्लेट, क्योंकि इसमें सॉस है तो ये तीसी, क्या बोलते हैं इसको, तीसी बोलते हैं? तीसी यानी कि फ्लैक्स सीड का बना हुआ है और दही चोखा लिट्टी तो है ही। चलो अब शुरू करते हैं अपना, और सैलेड तो है ही। गोल्डन निकाले अभी? नहीं नहीं अभी नहीं, लिट्टी बहुत ही बेहतरीन बना है। अब जितेंद्र से पूछते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री, क्योंकि जितेंद्र भाई अपने बिहार से ही हैं, आप जितेंद्र से ही पूछते हैं। एक मिनट, इसका बहुत पुराना इतिहास है बिहार में। बिहार में आप जितने भी शॉप पे जाएंगे ना, मछली जो होटल्स होते हैं मॉर्निंग वाले में खास, उनकी बहुत फेमस है। लिट्टी जनरली दो तरीके से बनाते हैं बिहार में। एक तो तेल में फ्राई करके, दूसरा आग में रोस्ट करके, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं था आग वाला, हम आग वाला त्योहार बनाए हैं। ये जो फ्राई करके बनाते हैं, तो इसका इतिहास ये है कि कहा जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य जब पाटलिपुत्र के राजा थे, जब स्थापना हुई थी, तो उनका साम्राज्य सिर्फ पटना तक ही नहीं सीमित था, पूरा अफगानिस्तान भी अफगानिस्तान तक था। तो जब उनके सैनिक दूर जाते थे, तो कहा जाता है कि वो लिट्टी जो ऐसा व्यंजन था जो इसका इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसको कई दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। और इसमें सत्तू, इसमें चना का सत्तू भरा जाता है, स्टफ होता है। और चना जो है आप जानते हैं कितना, मतलब कितना हेल्दी होता है, इसलिए शुरू से ही खासकर अगर बात करें तो घर में लिट्टी चोखा कम बनता है। जैसे कोई पार्टी शार्टी लोग करते हैं, लड़के लोग, तो वहाँ लिट्टी चोखा बनाते हैं, स्कूल्स में बनते हैं, होटल में लिट्टी चोखा मिलता है, घर में बहुत कम लोग बनाते हैं। या चलिए मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहा है कोई लड़का, तो उनके मम्मी जो होते हैं या उनके फैमिली वाले उनको लिट्टी बना के देते हैं। और अभी तो चंपारण में बहुत फेमस है लिट्टी के साथ मटन खाते हैं लोग। अच्छा, तो नॉनवेज के साथ भी खा रहे हैं। अभी आपको दिल्ली में कई सारे मेट्रो पे लिट्टी मिल जाएंगे, कई शादी ब्याह में भी लिट्टी मिलता है। और ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे, और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें चना और आटे से बना हुआ है। तो अभी हम खाते हैं और ये बहुत ही अच्छा बना है चोखा, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं अभी मैंने आपको दिखाई, बहुत ही बेहतरीन बनी। अभी खाते हैं और अपना ऑथेंटिक है। हाँ मजा आ गया इसको खा के, और मजा आ रहा है, नहीं आया। तो डिनर इज डन, अब निकलते हैं। तो ये लास्ट टाइम अपना बैचलर पार्टी सॉर्ट ऑफ आज हुआ, कह सकते हैं इसको बैचलर पार्टी। तो अब निकलते हैं, 10 बज रहे हैं ना? 10 बज गए। हाँ, तो अब निकलते हैं अपने हॉस्टल के लिए, और आशा करते हैं आगे हमारे साथ वीडियो में एक बंदा और एड ऑन मेंबर होएगा, उसके साथ भी हम वीडियो बनाएंगे। चलो